योना दूसरा बाब। तब योना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुन्दर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुन्दर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सिर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गरक हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने योना को खुशकी पर उगल दिया।